टेस्ट बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। और 10 रुपये का स्प्रिंग रोल आपको कहाँ मिलेगा? यहाँ मिलेगा, खाना चाहिए। कम रेटों में चीज़ मिलेगी तो आदमी खाएगा ही। तो भाई स्पाइसी वाली चटनी ना जान है भाई, भाई टेस्ट करोगे ना ना अंदर तक आग लगा दे। तो चलिए एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल डेली फूड शौकीन में। तो आज हम आपको दिल्ली के सबसे सस्ते स्नैक, वो भी घर के बने हुए, यहाँ पे आपको घर का बना हुआ बर्गर, स्प्रिंग रोल, चॉपस्टिक, तो मल्टीपल टाइप्स ऑफ आइटम, और सबसे सस्ते रेट में, जिस रेट में आपको छोटे छोटे स्टॉल्स पे खाते हो उस रेट में यहाँ पे हम आपको घर का बना हुआ और एक अच्छे हाइजीन के साथ फ्रेशली मेड आपके सामने बनते हुए दिखाएंगे। और सबसे पहले मैं आपको जगह बताता हूँ आज हम आपको कहाँ पर लेकर आए हैं। सिंह बर्गर पॉइंट, तो आज हम आपको लेकर आए हैं सिंह बर्गर पॉइंट। लोकेशन है रामनगर, नियर बाय हरि सिंह गुरुद्वारा। इधर से अगर आते हैं, इधर जगतपुरी के पास लोकेशन पड़ता है, जगतपुरी से अंदर आके और इधर वीर बाज़ार लगता है रामनगर का, तो वहाँ पे आप आ सकते हैं। तो अभी हम आपको दिखाएंगे कैसे बनता है, कैसा है टेस्ट, और एक बार ऑनर से ही बात करके देखते हैं कि उन्होंने कैसे स्टार्ट किया और इतने सस्ते रेट पे। तो सबसे पहले जो मेन है आज के वीडियो में, इतने कम प्राइस में वो कैसे दे रहे हैं, तो ये भी हम पूछते हैं। चलिए तो हमारे स्नैक्स बनने स्टार्ट हो गए हैं। तो ये भैया सबसे पहले क्या लगा रहे हो? चॉपस्टिक है। तो भाई अब हमारी ये चॉपस्टिक रेडी हो रही है, अब हमारा बर्गर रेडी हो रहा है। तो ये बर्गर में भैया ये कौन सी सॉस डाल रहे हो? ये ग्रीन चिली। ये किस चीज़ से बनाई हुई है? ये धनिया, हरी मिर्ची और आंवले। आंवला भी डाला हो इसमें? क्या बात है। ये भी ऊपर से ही क्या डाल रहे हो? तंदूरी मेयोनीज डाल रहे हो, क्या बात है। तो ये आपकी खुद की बनाई हुई है? मतलब ये सारी भी जितनी भी सॉसेज हैं ये आपकी खुद की बनाई हुई सॉसेज हैं? तो भाई देख के मुंह में पानी आ रहा है, आप भी आएँ जल्दी से और टेस्ट। तो भाई अब हमारा स्प्रिंग रोल जो है फ्राई हो गया था, कट हो रहा है, इसके अंदर भैया फिलिंग किस चीज़ की है? चौमिन की फिलिंग है, क्या बात है। क्रंचीनेस देख रहे हो, आवाज़ आ रही है खतरनाक। अब हमारा स्प्रिंग रोल भी रेडी हो गया, अब इसमें भैया और इसके साथ भी कौन सी चटनी दोगे? इसके साथ शेजवान चटनी दोगे, क्या बात है। तो भाई जो लोग अगर ढूंढ रहे हैं यहाँ पे सस्ता फास्ट फूड और अच्छी क्वालिटी घर वाला खाना, तो भाई जल्दी से आ जाओ, आके टेस्ट करके देखो। तो चलिए भाई अब आ गया हमारी टेस्टिंग का टाइम। तो सबसे पहले मैं आपको क्लोज लुक में दिखा देता हूँ कि क्या क्या हमने लिया और कैसी देखने में है। तो सबसे पहले ये है हमारा बर्गर, चांप बर्गर, साथ में ये सॉस मिली है, तो इसकी बजाय मैं जो लेने वाला साथ में ये लूँगा। तो एक बार ये देख लो फिलिंग, जैसे कि दिखाई थी बनाते हुए, पूरा क्रीमी वेजिस से भरा हुआ, सोया चंक, साथ में ये आलू। भाई देख लो कितना हैवी है, ट्राई करता हूँ बाइट लेने का, लगता नहीं आएगा मुँह में। बहुत ज़बरदस्त। अभी एक बार मैं इसका प्राइस बता देता हूँ, इसका जो प्राइस है ओनली 30 रुपीज़, 30 रुपये में आपको ये बर्गर मिल रहा है, जबकि आप अगर सिंपल बर्गर लेते हैं
उसकी स्टार्टिंग रेट है ओनली 10 रुपीज़। 10 रुपये में आपको बर्गर मिलेगा जो कि जनरली आपको स्ट्रीट फूड में कहीं पे भी नहीं मिलता। आप जगह जगह स्टॉल देखते हैं ना गुप्ता बर्गर वाले, वो भी उनका भी मिनिमम उनकी स्टार्टिंग होती है 15 रुपीज़ से। यहाँ पे आपको 10 रुपये से बर्गर स्टार्ट हो जाएंगे। ये जो हमने लिया है सोया चाप बर्गर, इसका जो प्राइस है 30 रुपीज़, बहुत ज़बरदस्त। इस प्राइस में आपको ये आइटम मिल ही नहीं सकती, गारंटीड है। अगर आपको लगता है कि इस प्राइस में अगर ऐसी आइटम मिलने वाली है तो आप हमें कमेंट करके बताएं कहाँ पे मिलती है। ईस्ट दिल्ली में अभी तक इससे सस्ता आउटलेट मैंने कहीं पे भी नहीं देखा। तो चलिए अभी आपको नेक्स्ट आइटम दिखाता हूँ। तो नेक्स्ट जो है हमारे स्प्रिंग रोल है, बर्गर को मैं रख देता हूँ उधर, और ये है स्प्रिंग रोल। पहले मैं इसका टेस्ट लेके बताता हूँ टेस्ट कैसा है, और उसके बाद मैं इसका भी प्राइस बताता हूँ। तो पहले हम स्पाइसी और शेजवान चटनी के साथ खाते हैं। सुपर क्रंची किसे कहते हैं ना, सुपर क्रंची है, और टेस्ट मसाले इतने ज़बरदस्त डाल रखे हैं इसमें। और भाई अगर इसका रेट सुनोगे ना, रेट है सिर्फ 10 रुपये। तो भाई 10 रुपये में आपको क्या मिलता है भाई, यहाँ 10 रुपये में आपको इतने क्रिस्पी स्प्रिंग रोल मिल रहे हैं, टोटली फिल्ड बाय चौमिन वेजेस। और आउटर जो लेयर है वो ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा मोटी है, बहुत ही पतली लेयर और क्रंची। और साथ में सबसे बेस्ट चीज़ है कि होममेड है, मतलब कि ऐसा नहीं कि भैया बाहर से बने हुए ले रहे हैं, खुद से बना रहे हैं। जितनी भी आइटम मैंने यहाँ पे लिया सारी भैया ने खुद से रेडी की है। और टेस्ट अनएक्सपेक्टेड, ये पूरे दिल्ली में, दिल्ली में क्या पूरे इंडिया में इतने सस्ते रेट में कहीं पे भी नहीं मिल सकती। 10 रुपये का स्प्रिंग रोल आपको कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा सिंह बर्गर पॉइंट। तो आप भी आएँ टेस्ट करें, टेस्ट करके बताएं हमें। और अगर आपको लगता है इससे भी सस्ता मिल सकता है, फर्स्ट ऑफ ऑल मिलेगा भी नहीं, अगर मिलता है तो आप कमेंट करके बताएं कि कहाँ पे मिलेगा। तो एक बार और एक बाइट और लेता हूँ मैं इसकी, तंदूरी मेयोनीज शेजवान और स्पाइसी चटनी। भाई क्रंचीनेस की आवाज़ दे रहे हो, बहुत ही ज़बरदस्त क्रंची है, टेस्ट एकदम जेन्युइन। तो मैं अभी अपनी नेक्स्ट आइटम दिखाता हूँ। ये हमारी नेक्स्ट आइटम है चॉपस्टिक, इसका भी मैं आपको प्राइस बताता हूँ। तो सबसे पहले आप इसका एक बार क्लोज लुक दोबारा से देख लीजिए। सोया चाप है, पूरे मसाले वसाले अच्छे से लगे हैं, तड़कता धड़कता बना दिया, और ऊपर से मेयोनीज और स्पाइसी वाली चटनी। तो भाई स्पाइसी वाली चटनी ना जान है भाई, भाई टेस्ट करोगे ना ना अंदर तक आग लगा दे, मज़ा आ जाएगा। तो पहले मैं एक बाइट लेके देखता हूँ। तो ये हमने लिया सोया चाप का एक पीस, साथ में स्पाइसी चटनी और मेयोनीज। इसके जो ऊपर ऊपर से जो पहली बाइट ली, पहला इंप्रेशन जो रहा ऊपर से क्रंची थी, क्रिस्पीनेस थोड़ी, और जैसे ही बाइट लेने का अंदर से सॉफ्ट, ऊपर से जितनी क्रंची थी अंदर से उतनी सॉफ्ट। तो भाई बहुत ही अच्छा टेस्ट है। और इसका मैं पहले प्राइस बता देता हूँ, 10 रुपये की आपको ये चॉपस्टिक मिल रही है, और इतने अच्छे फ्लेवर्स के साथ। मैं जैसे कि बार बार आपको बता रहा हूँ, इतना सस्ता आपको कहीं मिलेगा ही नहीं। तो अब मैं आपको अपनी नेक्स्ट आइटम दिखा देता हूँ, जो आपको दिल्ली में तो कॉमनली हर जगह आपको मिल जाती है। तो ऊपर जैसे कि चाट मसाला डाला हुआ है, तो एक बार इसकी टेस्टिंग, पहले इसके अंदर की फिलिंग दिखा देता हूँ। वेज मोमोज है अपना, फिलिंग देख रहे हो, तो एक बार टेस्ट कर बताता हूँ इसका टेस्ट कैसा है। अच्छे से स्टीम हुए हैं मोमोज, और लेयर इसकी भी बहुत पतली लेयर है, और जो अंदर वेजिस का फ्लेवर आ रहा है, कॉमनली ऐसा फ्लेवर आपको कहीं नहीं मिलता। वहाँ आपको कच्ची कच्ची सब्जियाँ, यहाँ पे बिल्कुल पकी हुई अंदर वेजिस हैं। और भाई सर्दी है, सर्दी में मोमोज और साथ में स्पाइसी चटनी में एक्चुअल गर्मी का एहसास स्पाइसीनेस से मिल रहा है। तो इसका मैं आपको प्राइस बताता हूँ,
फुल प्लेट मोमोज 20 रुपये में इतना सस्ता आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। तो अभी एक बार यहाँ पे हम एक बार फिनिश कर लेते हैं, उसके बाद ऑनर से बात करेंगे और उनसे बात करके आपको बताएंगे और पूछेंगे उनसे कि इतना सस्ते रेट में वो कैसे प्रोवाइड करा पा रहे हैं। हमने अपना रिव्यू तो बता दिया, एक बार कस्टमर रिव्यू भी लेके देखते हैं। तो एक बार बात करते हैं अंकल से। तो अंकल आपका नाम क्या है? आरन मेरा। तो आप अभी फर्स्ट टाइम खा रहे हो यहाँ का बर्गर? नहीं, काफ़ी टाइम है। काफ़ी टाइम से आप मतलब खा रहे हो? खा रहे। तो आप देख सकते हैं कि अंकल इस एज में भी मतलब कि काफ़ी टाइम से यहाँ पे बर्गर खा रहे हैं। तो आप पहले टेस्ट बताओ, आपको कैसा लगा? टेस्ट बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। और अगर आप रेट से कंपैरिजन करो? सही है रेट। रेट तो मतलब कम ही है और जगह से देख। जैसे कि अंकल आप सबसे बड़ी चीज़ देखिए कि अंकल इस एज में रेगुलर मतलब ऑलमोस्ट काफ़ी टाइम यहाँ पे आ रहे हैं, फास्ट फूड खा रहे हैं, तो इट मीन्स कैसा टेस्ट है इसमें। एक बेस्ट चीज़ यहाँ पे इतना ऑयली फूड नहीं है, जैसे आप कहीं पे भी खाते हैं उसमें ऑयली क्रीमीनेस थोड़ी सी बर्गर में थी, बाकी इतना ऑयली नहीं है। देखो इतना वो नहीं है कि आपको हाथ में तेल तेल चिपचिपा नहीं है। सबसे बेस्ट एग्जांपल है अगर अंकल इस एज में खा रहे हैं तो इट मीन्स कि अच्छा ही फूड मिल रहा है आपको यहाँ पे। तो अंकल आप वैसे किसी को रिकमेंड करना चाहेंगे कि इतने कम रेट में आपको इतनी अच्छी आइटम मिल रही है, लोगों को खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए? बिल्कुल खाना चाहिए, कम रेटों में चीज़ मिलेगी तो आदमी खाएगा ही। तो जैसे ही अंकल ने कहा, एक बार अंकल के कहने पे आ जाओ, टेस्ट करके देखो क्या आपको आइटम मिल रही है। और सबसे पहली बात कि इतने सस्ते प्राइस में आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। तो चलिए अब एक बार ओनर से भी बात कर लेते हैं। तो भैया सबसे पहले आपका नाम क्या? हरसिमरन सिंह। तो कितना टाइम हो गया आपकी इस शॉप को? 4 मंथ। 4 महीने हो गए। अभी तक कोई रिस्पॉन्स कैसा? रिस्पॉन्स अभी ऐसे ही हल्का बहुत। तो आप मुझे सबसे पहले एक जो खास चीज़ मिल रहा, जो मेन क्वेश्चन है आपसे, यहाँ पर मैंने आपके प्राइसेस देखे हैं, इतने कम प्राइसेस में आप कैसे प्रोवाइड करा रहे हो? बस ये है, थोड़ा सा घर पे बना लेते हैं। हाँ। और चटनी वगैरह सारी घर पे ही बनाते हैं। हाँ। तो इस चक्कर में सस्ता भी दे देते हैं, थोड़ी सी सेल बढ़ेगी उसके बाद थोड़ा सोचेंगे कि कुछ इंक्रीज करना है या नहीं करना। तो देखो जैसे कि भैया ने बताया कि अभी भैया इतने कम रेट में, मेन जो रीज़न है भैया का खुद से घर पे बना रहे हैं, जिसकी वजह से भैया को थोड़ा सस्ता पड़ा। जैसे कि देख रहे अभी स्टार्टअप है, अभी इतना स्टार्ट किए 3-4 महीने हो। तो आप मुझे सबसे पहले ये चीज़, अभी आप इससे पहले क्या करते थे? इससे पहले मैं एयर कंडीशन का काम करता था, रिपेयरिंग का। तो वो आपने बंद क्यों किया? ये लॉकडाउन के चक्कर में बंद करना पड़ गया। लॉकडाउन के चक्कर में आपको बंद करना पड़ा। तो जैसे देख सकते हैं लॉकडाउन से काफ़ी कुछ चीज़ें बदली हैं। अब जैसे कि भैया का अच्छा वाला एसी का काम था, उसे बंद करके भैया ने ये फास्ट फूड शॉप खोली। और मेन जो रीज़न है मतलब मेन जो आप देख सकते हैं कि जैसे कि भैया को अभी बेस कस्टमर बेस चाहिए, उसके लिए एटलीस्ट आप एक बार आओ, आके टेस्ट करो। ऐसा नहीं है देखो और किसी तरीके से नहीं, आप एक बार आओ टेस्ट करो, टेस्ट करने के बाद आप देखो कि आपको एक्चुअल में चीज़ क्या मिल रही है। आप इतना स्ट्रीट फूड टेस्ट करते होंगे बट ऐसा टेस्ट और ऐसे प्राइजेस में कहीं नहीं मिलेगा। आप एक बार आओ। अगर भैया किसी को आना हो तो आप एक बार थोड़ा सा लोकेशन समझा दोगे? यहाँ पे ये आपका गुरुद्वारा पड़ जाता है पास में, हरि सिंह गुरुद्वारा। हरि सिंह गुरुद्वारा और मेन ये कबीला चौक है। कबीला चौक। तो वाली आप भी आएँ, आके टेस्ट करें और हमें कमेंट करके बताएं कि एक्चुअल में जो हमने रिकमेंडेशन दी है आपको वो एक्चुअल में सही है कि नहीं है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप नहीं आ सकते, आपको लगता है कि आप नहीं आ सकते, तो आप आगे शेयर करें ताकि और जो भी यहाँ नियरेस्ट रहते हैं वो आके टेस्ट करें, जिससे कि भैया को इस टाइम पे सपोर्ट की ज़रूरत है। तो आप भी आके सपोर्ट टेस्ट करो, होपफुली आप एडिक्टेड हो जाओ इसके लिए। तो आप आइए टेस्ट करिए और हमें कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा। डेली फूड शौकीन चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ लेटेस्ट व्लॉग के लिए।